हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आपका स्वागत है नाज़ शेख ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्ट करता हूँ मैं बिल्लियों से। देर खाना दे दो बल्लू को, खाने दे के मिलता हूँ, ठीक है। ठंडा पानी भी रखो लो के बाजू में। हाँ, ये है विस्कस का वेट फूड बच्चे लोग के लिए, जूनियर्स वाला, 2 to 12 वाला। एक और बच्ची किधर है अपनी, पूछा सोती रहेगी। कहाँ है लेकिन, तो ये यहाँ सो रही है। उठा देता नहीं तो बड़ी बिल्ली पूरा सा खाना खा जाएगी। उसे उठाता नहीं मेरे लोगों, लेकिन लोगों का लंच टाइम हो चुका है। लंच टाइम क्या, सुबह दिया था खाना। चलो उठो, उठो, चलो उठो उठो उठो, खाना खाओ फटाफट। अब मैं खिड़की बंद कर दूंगा, बड़ी बिल्ली तो खा जाएगी उसका खाना। इसके लिए जो बच जाए तो बड़ी बिल्ली खा लेती है। ये लोग का पानी, इन लोग को ना खाने के बाद पानी लगता है, भले वेट फूड हो चाहे ड्राई फूड हो, लगा सूखा वाला खाना हो। स्मार्टी क्या कर रही हो, जो उसमें मस्त रेडी होके बैठी है। कहाँ जाने का, जो कहीं जाने का है कि नहीं, ऐसा क्या, चलते हैं ठीक है। मैंने डोर लॉक कर दिया है ताकि ये खाना ना खा सके। इसका अलग खाना रहता है, इसका सूखा वाला खाना आता है। और बच्चों को पता, मैं ये भी खाती है लेकिन वो क्यों नहीं देते मालूम है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है, वो कॉस्टली, वो 50 रुपीज़ का पर पैकेट है जो लगा वन टाइम का खाना है। और ये कैसा बड़ा खाना है, मतलब वो जो ड्राई वाला है ये वो खाती है, और वो भी खा लेगी तो फिर हम लोग को थोड़ा महंगा महंगा पड़ जाएगा। इसके लिए मतलब पूरा पेट भरने देता हूँ, उसके बाद उसको छोड़ता हूँ मैं, ताकि बच्चा खाना ये खा ले। कुछ तो कौन से खा रहे हैं खाना। हाँ उसमें बोल, क्या बोल रही तुम, उजो जल्दी बोल, उजो क्या बोल रही तुम। कुछ नहीं, अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं अपन, ठीक है बच्चा, करते कुछ प्लान। अच्छा नहीं, अभी चल थोड़ा बात, मैं धूप पे लेकिन थोड़ा जाके आते आसपास कहीं पे। ये किधर गई बच्चा, समझिए ना गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मैंने एसी चालू की है। ओके ओके, बाहर चलते बाहर। मेरी आवाज सुनेगा तो उठ जाएगा। मैं हाँ। बोल रही थी गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं समझ गया था। अच्छा क्या प्लान किया था, लंबसम के आसपास जाके आ गया ना, जू वाक्सा वगैरह, दाना पानी बना के निकले, हाँ तो फ्रेश हो जा। ठीक है, पहले बेडरूम सेट कर दीजिए, घड़ी के कपड़े, ये आजम के कपड़े अंदर के कपड़े में रहेंगे। वो बोलती तो आ गई। अच्छा बराबर, तो ये ऐसे रहने दो, अभी ये कपड़े वापस मत दिखाओ प्लीज। ओके, नहीं बंद कर रहा, लाइट बंद कर रहा, ठीक है, लाइट फैन मैंने बंद कर दिया। नहीं तो आप बोलेंगे क्या ना, आज कल से कपड़े आज तक पड़े, दस दिन भी आधा घंटा पहले एक ब्लॉग खत्म किया हम लोगों, क्योंकि वो दोपहर में हम लोग को डालना था, इसीलिए शाम से हम लोग दूसरा ब्लॉग अपलोड किया। तो आपको दूसरे कपड़े में मिलेगी, ऐसा यही कपड़ा पिछले ब्लॉग में, यही कपड़ा नहा के मिलेगी दूसरे कपड़े में, लेकिन मैं उसी में रखती, मैं सुबह सुबह नहा चुका हूँ। बिना नहाए भी मैं कितनी खूबसूरत दिखती हूँ। ओह माय गॉड, फिर भी लोग मुझे बोलते हैं कि नहा के, अरे क्या जरूरत है, क्यों पानी वेस्ट कर रहे हो, गर्मी है भाई। मस्ती करते हैं, किडिंग लाइन से चलो मैं बस करूँ, मेरे को आज सेलिब्रिटी बना देंगे तुम, मेरे को शूट कर दो। सो फाइनली गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज मैंने पहली बारी वाला कपड़ा पहना है, कॉटन का ड्रेस सिलवाई थी, याद है बाबू, इसके साथ के सारे ड्रेस मैंने पहन लिए थे, बट ये रह गया था, पहनने का मौका का इंतजार नहीं कर रही थी मैं, मौका आया था बट नहीं पहन पाई थी, क्योंकि मेरे को इसका वर्लक नहीं हुआ था, वर्लक बोलते क्या बोलते उसको, जो भी बोलते। हाँ अरे बाबा उठ गया आजम देखने का आप लोगों को, आजम उठ गया। हाँ बोलो, चलो सलाम करो, चलो जल्दी, चलो जल्दी सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, तंगे 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 तंग
यहाँ सो जाना अच्छा लग रहा है। और मेरी ये टकली है, अपना ही हेयर फैशन करती रहती, कूली करती रहती बाल को कूली। ये देखो स्टाइल देखो अम्मा का, बाल बना देंगे ना खींचे सुबह। क्या की थी ऐसे फिर बात बोलती मेरे बाल में गुत कैसे होता, गुत ऐसे होता गाइस, ये इतना बाल को डिस्टर्ब करती है ना, कूली करेगी। मैं बहुत छोटी थी बाबू, कितने साल की थी, 1.5-2 साल की थी ना, मेरे बाल को है ना माचिस की कांडी से कूली करती थी अभी भी। हाँ देखो मेरे को सजाने का उसको बहुत क्रेज है कि अम्मी तुम ऐसे रहा करो वैसे रहा करो। अभी कल से एक ही चीज बोल रही है कि अम्मी तुम्हारे दोनों हाथ बहुत खाली दिख रहे, बहुत खाली दिख रहे। जो सच है वही चीज तो बोलूंगी। तो इतनी गर्मी में तुझे आदत तैयार होने की, मुझे नहीं। वैसे आज तुम हीरो बन के जा किधर रहे? कहीं नहीं जा रहे, ऐसी सोच रहे कि जाके तो बाहर निकले तो कहने का पहुंच जाएंगे। तो गाइस चलिए, अच्छा लग रहा एकदम हल्का, ये कपड़ा एकदम हल्का है। एसी बंद किए ना? हां अच्छा किए। सिर्फ बाल ठीक करने पड़ते हैं, बाकी का आप ही कर लेते हो। हां मेरे को बाल बनाने नहीं आता ना ज्यादा, तो ये त्रावचन खुद बना लेती है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार ये तुम क्या करते बोल रहा हो ऐसा? दे काटेगा अल्ले, दे दो उसको, दे दो मेरे को, देगा मेरे को देगा वो। ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, मेरे को देगा, इसको भी देगा वो। मामा शनी आजा दो माँ, अभी गायब कर उसको, दे तो मेरे को भी देगा वो। रुको रुको, दो माँ शनी दे दो, ले ले देना आजा, अरे देना बाबा आज दो। ये दे आओ, हमें आज मैं अपने हिसाब से तैयार हूं। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, बिजी हो गया। हां क्या है, कुछ अपने हिसाब से तैयार हो चलेगा ना? ये दिखा रहा, ऑरेंज कलर दिखा उसको। आज ना तू येलो वाला ले, डब्बा कहां गया तेरा? मम्मी रेडी डब्बा तेरा, ये लो कटर से काम चलाओ। गाइस प्रॉब्लम क्या पता है, हम लोग घर में रहते हैं ना, तो जब भी हम लोग सोचते हैं ना घूमने जाएंगे तो घूमना नहीं होता, क्योंकि घर है ना, घर की सहूलियत है, अपना घर है। रात भी हो जाती है ऐसे ही जाते हैं जाते हैं जाते हैं, अपने को रेडी नहीं होता बिस्तर में तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन मजा आ रहा है गाइस, कुछ भी बोलो नहीं बोली, सुकून ऐसा, सुकून ऐसा लग रहा ना, वो सब कुछ आपके भाइयों की छुट्टी की कारण है। आपके भाईजान ने छुट्टी लिए थे ऐसा, आप लोगों को क्या पता, बताई कि नहीं बताई, नहीं बताई शायद से। तो आपके भाई 15 तारीख तक के घर पे छुट्टी हो गई भाई, तो इसके लिए बड़ा मजा। 15 दिन के बाद मजा आ रहा है, तबीयत खराब का नाटक कर करके ए ए क्या हो जो पूरी तबीयत खराब का नाटक करके ऐसा नहीं है रे उजमा, झूठ नहीं बोलेगा ऐसा। तबीयत तो छुट्टी लेने के बाद अभी खराब हुई ना, छुट्टी तो कब से ले ले अपन, बस 15 तक मौज करो तुम लोग, और क्या है। कैसा पिछले साल ये पैदा हुआ था तो बोल के 2 महीना की छुट्टी ऐसी घर में चले गई थी, सिर्फ उसमें चले गई थी, और मैं और आजम घर में थे पूरा साल, ये काम पे थे, उसमें स्कूल गई जाती थी बोल के हम लोग को कोई ऐसा एंजॉय करने नहीं मिला, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हुई थी। बट हकीकत मानो सच्ची बोल रही हूँ मैं, आजम के बर्थडे के बाद ना थोड़ा सुकून है, भले कुछ भी है काम वाली हो या ना हो, लेकिन सुकून है। अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से, घर में होकर भी मैं ना अपनी मर्जी से खा नहीं पाती थी खाना। क्यों बाबू? सही बात है, क्योंकि घर से ड्यूटी करो या बाहर से ड्यूटी करो, ड्यूटी तो ड्यूटी है ना।
चार ड्यूटी करी रहती, घर बच्चा पति अपना जो, उसमें मदद भी करते थे भाई बहन। अगर छुट्टी पे रहते तो देखो वो मदद करते, अब वो खुद जॉब पे तो क्या ही मेरी मदद करेगी। सही बात है, वही बोल रही हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक लगा होते बाद 12 दिन बचे हैं। बहुत अच्छा लगा, हो सकता है ये 10-15 दिन में और वेट गेन कर लूँ मैं। डबल छीन, डबल छीन देमा छीन मम्मी, क्या चोंडा बना दो, मेरे साथ नहीं करता है छीनने का, तो सामने रहे तो नहीं करता क्योंकि दे बेटा मेरे को, आज लो दो मेरे को दो, दे रे खेवड़े दे, ऐसा नका 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 चल भाग, मैं तो घायल भी कर देता। आई आपको मिला था मैं छोटी नाजो से, दिखा उसमें जरा इधर दिखा, उसमें शक्ल दिखाओ। ओ माय गॉड लिट्टी, तेरे ने बात शक्ल दिखाई, क्या लगा लिबम क्या है ये लिबम? अच्छा आज मैं खोजने तैयार हूँ फेस को अच्छा दिखाने का वैसा। हाँ दिखाई नहीं रही है, खाना खाने दो फिर बाद हाँ गाइस, इन लोग ने 2 बजे खाना खा लिया था और मैं अभी 6 बजे खाना खा रही हूँ, तो अभी लोग सेम चीज, मैं बोली इन लोग को नाश्ता लेके आओ, उसमें अगर मेरे लिए भी मन करे तो कुछ ऐसा चटपटा सा, नहीं खाना खाना है खाना जाए क्यों काम करना, मैं लेके ठीक है जल्दी आओ, मेरे को बहुत जरूरी भूख लग रही बस काजल, अरे बाद में कर लेंगे काजल भी, चल अभी जाओ जल्दी, भूख लग रही मेरे को माँ, मेरे को बहुत जोर की भूख लग रही वो जा रहे तेरे अव्वा, तो आइए गाइस नाश्ता करने के लिए, ये है मसाला डोसा, ये सादा डोसा और ये है चटनी। तुम लोग के लिए क्या लाए? हाँ तो वही तो बोल रहे, तुम लोग के लिए क्या लाए? वड़ा पाव लाए, सब गरम गरम मिला तुमको आज तो, नसीब अच्छी थी। चलो खाते हैं। आ आ कार से चाबी लाए हो कि भूल गए? क्या हुआ क्या हुआ, क्यों डराता है? हाँ चल चलता आता जा, चल गया। अच्छा सो गाइस हम लोग अभी मारवे पहुंचने वाले हैं, तो मारवे आए हैं बहुत दिन बाद, क्या करने आए? कोई गुला वाला खा रहा है नहीं देखा जाए तो भाई, हमारा मेरा कपड़ा इतने दिन आया था बोल क्या हमने, हाँ बेटा बस ईद को आए थे, ईद को आए थे, ईद को ईद की शाम को बहुत दिन बाद। अभी झिंगे विंगे बड़े बड़े वाले मिलेंगे तो बाबू, अगर मिलेंगे तो मेरे भी भरोसे पे मत लेना, मेरे भरोसे पे नहीं लेना, मैं बोल रही अगर साफ करने करेगा तो ले लेना, चलो सही है अच्छी बात है। देखना तेरे अब्बा तेरे को कैसा बोल रहे हो, झिंगा नहीं लेंगे नहीं खिलाएंगे मेरी बेटी को झिंगा, तो मां नहीं तो क्या तुम्हारी तबीयत खराब है तो मेरी बच्ची के साथ तुम ऐसा करेंगे क्या बाबू? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, झिंगा साफ करेगी तू? मुझे तो आता ही नहीं, मैं सिखाऊंगा तेरे, अम्मी सिखाएगी तेरे को, आज तेरे को तेरे अब्बा सिखा देंगे, हाँ आज सिखा देंगे, अम्मी सिखाएगी तेरे को, मेरे को तो नहीं आता उसमें सच्ची में, अम्मी ने सिखाया उसमें नहीं, मेरे को नहीं आता। चलो गाइस मुझे कोई सिखाओ अच्छी मत, मैं देखकर सीखूंगी। हाँ तो अब्बा करेंगे ना तो तू देख लेना। आज सुबह क्या बोल रही थी, अच्छा खाना कैसे बनाते, मैंने अम्मी ने सिखाया मेरे को। तुमने ऐसा क्या बना दिए थे? चिकन रात का। अच्छा सो गाइस पहुंच गए हम लोग मस्ती करते करते, जैसा आप Thank you.
सो गाइस आपके भाईजान लेंगे झींगा। क्या बोल रहे थे आधे डम्बे अपने मतलब के झींगे नहीं है बच्चा। मैं देखा लेकिन नहीं, नहीं लेंगे, नहीं पक्का नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सही में नहीं लेंगे। देखा आगे वाले कौन से वो जितारा है। देखो गाइस हमारे मतलब का झींगा है वहाँ पे, हम लोग को देखे बड़ा वाला है। हाँ बेटा क्या चीज, चल गोला खाएंगे आजा। मैं तो गोला खाना ही हूँ, तुम नींबू पानी और आजम को क्या। इधर घूमो, इधर घूमो, इधर घूमो ना उज्मा, इधर देख चले ऊपर देख उज्जो, चलो उसकी ये चलो। गोला गोला गोला, अच्छा गोला, वाह गोला गोला ले ले। एक ऑरेंज फ्लेवर बना दो और एक काला खट्टा विथ रोज बनाना और एक नींबू पानी। उसमें आ जा, एक ही टेबल है क्या, हम लोग को लेकर दो टेबल तुम्हारा वाला। कांच के गिलास में दे देना, एक ऑरेंज और एक काला खट्टा विथ रोज। कांच में ही रहने दो, कांच में ही रहने दो। ऑरेंज बोले ना, ऑरेंज पकड़ो, पकड़ हां सेम है बेटा, मैंगो है। ए गिरेगा देख ध्यान देना, मैंगो है जो देख रहे हैं, जो तू देख रही थी ना वो मैंगो फ्लेवर था, ये ऑरेंज, ऑरेंज है ना बराबर। ये काला करता है जोस, तुमको नींबू पानी खारा क्या मीठा, खारा मीठा। सो गाइस गाइस गाइस, तो गाइस मैं यहां पे आके बैठ गई, मैं चैन से गोला खाऊंगी। हाँ कपड़े गंदे नहीं करना, नया कपड़ा पहनती है तभी गोला खाने आती है और कपड़ा गंदा कर देती। उसको देखो क्या आवाज है। हाँ बेटा क्या हुआ, कपड़े मत संभाल, कपड़े संभाल उठा। तेरे फेवरेट है, एंजॉय एंजॉय, ग्लास हाथ में पकड़े खाते उसमें मस्त। वो ठंडा है, अच्छा ठंडा भी हो रहा, अच्छा में तो खट्टा लग रहा, मस्त लग रहा। ओके इसलिए वो जो है मेरा फेवरेट फ्लेवर है। अच्छा कोई आपको दिखा गया, वो लेडी जो फिश फ्राई कर रही ना वो मुझे ऐसा लगता मैं उसको पहचानती हूँ। अच्छा दिख रहा है, मैं मिट्टी फेंक दूंगी। अरे उसकी मम्मी दिख रहा है, पीता है माशाल्लाह। देखो ना नजदीक करके दिख रहा है, देख रहा देख रहा, शो भरा हुआ है अभी। हाँ ये देखो, मैं देखो खाली है, छोड़ेगा तो वो खाली आधा शो भी इसके मुंह में। अब्बा चलो ना खेलते हैं। हाँ बेटा रुक जा, बैठ जा, बैठ के खा ले, चल खड़के खाएगी। हाँ
इतना जल्दी खा ले तुझे बोल रही है। बाकी आराम से टेंशन मत ले, तो वहाँ सीट भी है, सीट में बैठती। ये देखो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास आने। कुछ नहीं बेटा, आराम करो, अम्मी के पास रहने का, तो अम्मी को भी टाइम दो। रेती में बैठ जा, जा जा रेती में खेल। देखो रेती से खेल रहे जमा लो ऐसे मेरी इतनी लेने को खेत छोड़ूंगी तो मुंह में डालेगा मट्टी, वही दिक्कत है। दिन में आएंगे तभी डालेंगे उसको रेती में खेलने के लिए। एक जगह बैठ जा रे, मेरे को भी चक्कर आ रही, मेरे आजू बाजू टेल रहे तुम लोग दोनों जिन्नात लोग की तरह, मत करो ये चीज। बैठ जा बैठ जा। ये लोग घूमना घुमाने लेके आते तो ऐसे तो जान भी खड़े हुए रहते, तो घूमते रहे मेरे आजू बाजू क्यों घूम रहे। हां क्या चिल्लाओ, नहीं कुछ बोले नहीं, चिल्ला रहा मेरे को, कुछ नहीं बोलने का मेरे को तेरे। सो गाइस हम लोग खा रहे मंचूरियन, अभी आई थी मैं लाइव बिंदास बोले तो नाजे पे लाइव भाई, हम लोग ने खूब मस्ती की है ना बाबू, बहुत इंजॉय किया हमने। अभी हमारी एक प्लेट आ रही है मंचूरियन की, वैसे जीनी का और उज़मा का। बिना वो भी आला जीनी कौन कौन जीनी तेरी खा ला है। हां लेकिन ये तो थोड़ी है, मुंह से निकला ना मेरे तो ऐसा। सो गाइस चलो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत पेट भर गया है। ये खाओ वो खाओ, गोला खाओ ये खाओ वो खाओ, सब हो गया अभी। ऐसा लग रहा है अभी सीधा कार में जाएंगे, बैठेंगे सीधा घर को निकलेंगे। लेकिन कुछ भी बोलो, चैनल का नाम कितनी बार बदल लो, मुंह पे नाम वही आता है जो सबसे पहले रखा होता है। आज मैं लाइव आई थी बिंदास बोले तो नाजिया शेख पे। हाँ बेटा मुझे पता है आपको घर पे खाना नहीं बनाया था, इसके लिए आपके सिर्फ हम लोग को खिलाए। तो इतना 9:30-10 बजे अभी घर पे जाके खाना बना के खाना खिलाने से बेहतर था कि तुम लोगों को खिला दो। देखो गाइस हम लोग को नहीं लेना था ना, हमने इरादा किया था ना हमको झींगा नहीं चाहिए, तो पूरा ओ माँ कसम मैं डर गई रही हूँ। क्या हो शायद वो हाथ डाल डाल के खा रही थी तो उनको गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपना ही नुकसान कर दिया। वो रोक रहे थे झटके से तो हाथ लग के गिर गया, इतना सारा जामुन गिर गया। अब वो क्या, लेकिन सही बात है ना, किसी का माल को बार बार हाथ डाल के नहीं खाना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है ना, गंदी बात है ना। इतना सारा जामुन गिर गया, वो कई पैसा कौन देगा उनको। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है यार, मतलब किसी के भी धंधे के साथ ना दोस्ती इतना नहीं करने का, धंधा धंधा होता है समझ रहे। तो ऐसे मोहब्बत यारी में एक चीज समझ में आता है, बहुत लोगों को मैंने पहले भी देखा है, बहुत हाथ डालते चालू हो जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अपन जा रहे कार के पास, गाड़ी के पास। नहीं तो पहले चप्पल में से मिट्टी निकाल, उसके बाद ही हम लोग बैठेंगे गाड़ी में। कुछ बोल रहे हैं आपके भाई साहब, ये तो गाड़ी में कप रखे, कप लिए थे याद है तुम? मीरा रोड गए थे ना, मीरा रोड गए थे रमजान में, तब से कप यहाँ पे पड़े हुए गाड़ी में, आज याद से लेके चलना ऊपर। टूटे तो नहीं हो गए ना? सो गाइज हम लोग आगे घर पे, ये है छाछ। हम लोग घर में 2-3 टाइम सब लोग छाछ पी रहे हैं आजकल, आप लोग भी पियो पेट ठंडा रहेगा। ये व्लॉग को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, अपने दुआ में याद रखना। मैं बाहर नहीं जा रही, छाछ देखेंगे तो छाछ मांगेंगे उज़्मा और उसको दूंगी खाने के साथ अभी नहीं।